नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ वामन मेश्राम जी मौजूद हैं। और 22 फरवरी को जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन होना था ईवीएम को लेकर के, लेकिन अभी उसकी अनुमति जो है नहीं मिली है, उसी पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आपको आपका जो 22 फरवरी को प्रदर्शन होना था ईवीएम को लेकर के, बहुत बड़ी आपने मुहिम छेड़ी हुई है देश में, क्या लगता है क्या ये कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी? क्योंकि प्रदर्शन हमारा बरकरार है, प्रदर्शन करेंगे जी, लेकिन प्रदर्शन हम लोग रोकेंगे नहीं, प्रदर्शन होगा जी। लेकिन सर अब जंतर मंतर पे नहीं है, अब आप कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे? 25 फरवरी को जंतर मंतर पर ही करेंगे, क्योंकि वो डिजिग्नेटेड प्लेस है जी। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है जी। और इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वो जगह निर्धारित की हुई है, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट के अंतर्गत वो जगह निर्धारित है जी। वो अधिकार दिया हुआ है जी। सर अभी आप जैसे कि ईवीएम को लेकर के काफ़ी बड़ी आपने मुहिम भी छेड़ी हुई है, और आप तोड़फोड़ की भी बात करते हैं कि ईवीएम अगर तोड़ना पड़ा तो ईवीएम को भी तोड़फोड़ करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जेल जाना ही क्यों ना पड़े। यदि बैलेट पेपर चुनाव आयोग नहीं मानता है जी, तो हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे, ये हमारी घोषणा है जी। इसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है, देश भर में तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सर क्या लगता है, इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुत ही कम वक्त रह गया, ये कितना ज्यादा लगता है कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव? हमारे पास 625 जिलों में संगठन है जी। मैं आज से थोड़ी लड़ रहा हूँ, 2013 से पहले से आपकी जो है ये लड़ाई शुरू। हाँ। नहीं, ये लड़ाई 2013 से है, मैं संगठन जो है वो 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो 625 जिलों में है जी। हमारे पास पहले से संगठन है। तो सर इस आपका कैडर भी हाँ जी आपका कैडर भी इस ऑर्गेनाइजेशन है, और काफी मजबूती से भी आप लड़ रहे हैं, हम आपको लगातार देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है। लेकिन इस बार अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो उसके बाद क्या होगा? देखो, एक तो हम लोग मिनिमम 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ होने की संभावना है, तो इतने लोगों को तैयार करने का कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि ईवीएम मशीन को फोड़ने की जरूरत पड़ी तो फोड़ेंगे। अच्छा। ये गैर कानूनी है, ये जानते हुए फोड़ेंगे जी। दूसरी बात, जब वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं तो हम कानून के विरोध में करेंगे। संविधान के विरोध में काम करना बड़ी बात है जी। हम उसके विरोध करने के लिए छोटा काम करेंगे, कानून का विरोध करेंगे, कानून तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना अभी वामन सर ने बोला कि अगर ईवीएम तोड़ने की जरूरत पड़ी तो ईवीएम भी तोड़ा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ न्यूज लॉन्चर पे। नमस्कार।